डियर पेरेंट्स, रिसेंटली मैंने आपके साथ आइंस्टाइन बॉक्स शेयर किया था, तो ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ये आइंस्टाइन बॉक्स से ही हमने ग्रो किए हैं। कैसे ग्रो किए हैं चलिए उसके लिए वीडियो देखते हैं। आइंस्टाइन बॉक्स में आपको दो डिस्पोजेबल बॉक्सेस और मड साथ में मिलती है, तो ये वही मड है जो आपको बॉक्सेस में दिख रही है, बट हमने थोड़ी सी मड यानी कि घर की मिट्टी भी यूज की है इसमें। हम अनाया को दिखाना चाहते थे कि रेगुलर मिट्टी के साथ भी पौधे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो हमने थोड़ी सी अपने गमले की मिट्टी निकाल ली है, उसे भी हम इस पॉट में डालेंगे। तो यहाँ पर अनाया अपने पापा की हेल्प से इन डिस्पोजेबल बॉक्सेस में थोड़ी सी मिट्टी डालेगी। उसके बाद जो सीड्स हमें मिले हुए हैं, हमें मस्टर्ड के सीड्स और मूंग की दाल यानी कि जो ग्रीन ग्राम होती है उसके हमें सीड्स मिले हुए हैं, तो वो दोनों हम एक एक बॉक्स में प्लेस करेंगे। और ये जो मिट्टी हमें आइंस्टाइन बॉक्स के साथ में मिली है, जो ड्राई मड है, उसे अनाया के पापा अपने हाथों से ब्रेक करके इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि हमने अपने घर की मिट्टी भी यूज़ की है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप अगर डायरेक्टली सिर्फ जो आइंस्टाइन बॉक्स की मड से प्लेस करना चाहते हैं तो आप वो सिर्फ गोल वाले पोर्शन को इस बॉक्स में रख दीजिए, ऊपर से सीड्स डालिए, थोड़ा सा वाटर दे दीजिए और बस उन्हें ग्रो होने के लिए धूप में छोड़ दीजिए। प्लांट को ग्रो करना, उसे अपने हाथों से प्लेस करना, ये अनाया के लिए बहुत ही एक्साइटिंग और फन पार्ट है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अनाया इन चीज़ों को एक्साइटेड होकर के खेल रही है, कुछ देख रही है, उसे नया कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अनाया के लिए हमने बेसिकली घर की ड्राई मिट्टी ही यूज़ की है, और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते जा रहा है डे बाई डे, इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस एक बार में दिखा दूंगी, बट ये जो प्रोसेस है प्लांट का ग्रो होने का डे बाई डे का है, तो मैं आपको वीडियो में सारा एक साथ ही दिखाऊंगी। अगर आप अपने बच्चे के साथ ये कुछ करते हैं तो ये बच्चा जो है वो डेली इसे फील करेगा, डेली वो प्लांट को जाके वाटर देगा, उन्हें उगने का वेट करेगा, उसके ग्रो होने का वेट करेगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो ये लीजिए, हमारा प्लांट ग्रो होने के बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें अच्छे से सीड्स को मिट्टी में डाल दिया है, पानी अच्छे से हमने दे दिया है। अब हम इसे 1 से 2 दिन लो लाइट में रखेंगे, यानी कि हम इसे डायरेक्टली सनलाइट पे ना रख करके घर के शेड के अंदर रख रहे हैं। 2 दिन के बाद इसे हम धूप में निकाल देंगे ताकि अच्छे से जो सीड्स हैं वो ग्रो होना शुरू हो। अब ये जो मैं क्लिप आपको दिखा रही हूँ ये 1 हफ्ते के बाद की क्लिप है। 1 हफ्ते में हमारे पौधे हैं इतने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं, तो ऐसे ही ये पौधे बढ़ते जाएंगे और आपका बच्चा इन्हें देख करके खुश होगा। ये एक्टिविटी बच्चों को इंगेज करने के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप भी अपना आइंस्टाइन बॉक्स घर लाइए और बच्चे के साथ सारी एक्टिविटी इंजॉय करिए। Mm-hmm.